बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। एक बहुत कम टाइम में भी बन जाता है और बहुत डिलीशियस भी बनता है। ईद आने वाली है तो ईद पर अगर आपके पास कम टाइम है तो आप इस डिज़र्ट को बना के सर्व करें। आई एम श्योर आपके गेस्ट को ये डिज़र्ट बहुत पसंद आएगा। और मज़े की बात यह है कि ये 20 से 25 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। और इसमें जो जो फ्रूट्स मैंने ऐड किए हैं आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के, आप अपनी पसंद के फ्रूट्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। एक मैंने सेब लिया है, आधा कप मैंने अंगूर लिया है, 5 से 6 खजूरें ली हैं, 2 तरह के मैंने यहाँ खरबूजे ऐड किए हैं, 2 केले लिए हैं और आधा पपीता ऐड किया है। ठीक है, इन सारे फ्रूट्स को आपने इनको नॉर्मल साइज़ में कट करके आपने इसको साइड पर रख देना है। अब बाउल में मैंने यहाँ ठंडी क्रीम ऐड की है 1.5 पैकेट, इसको आपने व्हिप करना है। 3 से 4 मिनट व्हिप करने के बाद मैं यहाँ हैंड बीटर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक बीटर यूज़ करते हैं तो फिर ये इजीली 3 से 4 मिनट में अच्छे तरीके से व्हिप हो जाएगी जितनी हमें चाहिए। ठीक है, हैंड बीटर यूज़ कर रही हूँ तो मुझे यहाँ पे 5 से 6 मिनट लग गए थे। 3 से 4 मिनट व्हिप करने के बाद मैंने यहाँ शुगर ऐड की है 4 से 5 चम्मच। पिसी हुई चीनी का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपने इसको दोबारा से व्हिप करना है 2 से 3 मिनट तक। और जितने फ्रूट्स हमने कट करके रखे थे वो अब आपने इस पॉइंट पे क्रीम में ऐड कर देने हैं। आप इसमें स्ट्रॉबेरी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें इसकी ऐड नहीं की क्योंकि स्ट्रॉबेरी का टेस्ट थोड़ा खट्टा होता है और क्रीम हमारी मीठी होती है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे नहीं समझ आता। अगर आपको पसंद है तो देन आप लोग इसमें ऐड कर लिएगा। ठीक है, सारे फ्रूट्स ऐड करने के बाद आपने इसको क्रीम में अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि फ्रूट्स और क्रीम आपस में यकजा हो जाए, अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। मुझे क्रीमी फ्रूट चाट बनाने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि कलरफुल हमारे पास फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं और वाइट क्रीम होती है, तो इनको मिक्सअप करना, कलरफुल फ्रूट्स वगैरह, ये सब सीन मुझे बड़ा मज़े का लगता है। और रमज़ान है, स्पेशल रमज़ान में हर घर में फ्रूट चाट बनती है, तो ये फ्रूट चाट आप ज़रूर ट्राई करें। एक चम्मच भरकर आपने इसमें डालना है पिसा हुआ खोपरा। पिसा हुआ खोपरा ऐड करने के बाद आपने इसको दोबारा से मिक्सअप करना है ताकि खोपरा पूरे फ्रूट्स में क्रीम में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। एक बात आपने जरूर नोट की होगी, मैंने इसमें केले बिल्कुल ऐड नहीं किए, मैंने लास्ट टाइम पे इसको स्किप कर दिए थे। अगर आप केले ऐड करना चाहें फ्रूट चाट में आपके ऐड कर लिएगा। यहाँ हमारी क्रीमी मज़ेदार फ्रूट चाट तैयार है। फ्रूट चाट को मैंने डिश आउट कर लिया है। अब मैं इसकी डेकोरेशन कर रही हूँ किशमिश से। किशमिश ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने लिए थे बादाम, उसको कूट लिया था, क्रश करके हमने इसके ऊपर ऐड करने हैं। अखरोट ऐड करना चाहे तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद हमने एक चम्मच पिसा हुआ खोपरा ऊपर से स्प्रिंकल करना है। और ये देखिए क्रीमी मज़ेदार फ्रूट चाट रेडी है। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, मुझे बहुत खुशी होती है आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। दुआ है अल्लाह पाक आप सबके रोज़े रिस्क में बरकत अता फरमाएं। इस मुकद्दस महीने के सबके आप सबके नेक हाजात ख्वाहिशात को पूरा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।